दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों से भी ज्यादा छोटे यूरोपियन देशों ने एक समय पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था और लंबे समय की जद्दोजहद के बाद भारत को आजादी प्राप्त हुई है। और तब से लेकर अब तक भारत ने काफी तेजी के साथ अपने आप को एक बार फिर इतना मजबूत कर लिया है कि आज यूरोप के अधिकतर देशों की कंबाइंड पावर से ज्यादा पावर अकेला भारत ही रखता है। लेकिन भारत की इस तेजी को देखकर और रशिया यूक्रेन वार में खुलकर रशिया का विरोध न करने के चलते आज कई यूरोपियन देशों में भारत के प्रति नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत ने भी एक के बाद एक अपने ऊपर उंगली उठाने वाले सभी यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर दी है। और साथ ही अब इन देशों को यह भी समझ आ चुका है कि लगभग पूरी दुनिया को साथ मिलाकर भी अमेरिका व पश्चिमी देश रशिया को पूरी तरह से पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और रशिया महज भारत व चीन की सपोर्ट के दम पर ही अभी तक इन सभी देशों के सैंक्शंस के सामने टिका हुआ है। और ब्रिक्स के तीन देश भारत, रशिया व चाइना मिलकर ही सभी नेटो देशों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि केवल भारत की ही बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पावर के सामने आज के समय भारतीय सेना की टोटल मिलिट्री पावर कितनी है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा देश वर्तमान समय में नेटो का सदस्य देश नहीं है, फिनलैंड या पुर्तगाल? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो नेटो के सभी देश मिलकर दुनिया का टोटल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो वहीं भारत अकेला ही दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 95 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है, तो वहीं अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन इनसे कहीं ज्यादा 140 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। और ये और भी ज्यादा ताजुब की बात है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नेटो के 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन है और भारत अकेला ही दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 46 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है। भारत की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो नेटो के सभी देश मिलकर अपने डिफेंस पर करीबन 1100 बिलियन डॉलर वैल्यू यानी 1.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्चा सालाना कर देते हैं, तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर सालाना 70 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्चा करता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में नेटो के सभी देशों के पास कंबाइंड तौर पर 30 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज है, तो वहीं अकेले भारत के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सोनल अवेलेबल हैं। हालांकि रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस यूनिट्स लाखों में हैं। मैन बैटल टैंक्स की 12,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 4,600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 4,600 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी नेटो देशों के पास हैं, तो अकेले भारत के पास 100 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। फील्ड यानी टाउड हवेजर्स की 6,200 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर है। अकेले भारत के पास 3,300 से ज्यादा टाउड आर्टिलरीज अवेलेबल हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 3,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। अकेले भारत के पास 1,500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करें एयर पावर की, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 21,200 से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। अकेले भारत के पास 2,350 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 3,550 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 1,150 से ज्यादा यूनिट्स
सभी नेटो देशों के पास हैं। अकेले भारत के पास 120 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1450 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 130 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो सभी नेटो देशों में फ्रांस, यूके और अमेरिका, इन तीनों ही देशों के पास टोटल 6060 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो वहीं भारत के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 16 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। अकेले भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 13 यूनिट्स जहां नेटो देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं, तो भारत के पास फिलहाल कोई हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारतीय नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की 115 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 55 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 140 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 17 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी नेटो देशों की कंबाइंड पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल मिलिट्री फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।